संत और सत्संग ये पहली सीढ़ी ईश्वर को प्राप्त करने की। पहली भक्ति रामायण में भी क्या लिखी है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी, मेरी पहली भक्ति सुन, पहले तू संतों का साथ कर, और संत मिल जाए तो उन संतों से सत्संग कर। उन्हें कहिए क्या करेंगे, उन्हें कहिए संत और सत्संग तेरे को मेरे से मिला देंगे। इसलिए लिखा के सुख की घड़ी सत्संग की, बाकी की बर्बाद। कहे कबीर सत्संग भलो जो साहिब आवे आ। गंग नहाए एक फल, तीरथ के फल चार, पर सत्संग का अनंत फल कहत कबीर विचार। इसलिए सुना करो साहब। और अब तो कहते गुरुदेव की वाणी जहां तक हो वहां तक सुनने जाऊंगा। बड़े अनमोल शब्द गुरुदेव के। और बैठो आप, संसार से निकलने का धीरे धीरे करके प्रयास करो, और एक ऐसी स्थिति बनाओ कि फिर अपनी स्थिति वो बन जाए कि केवल अपने अंदर वो राम पैदा हो जाए। हमने धन पैदा कर लिया, अन्न पैदा कर लिया, परिवार पैदा कर लिया साहब, पर आज तक ये सोचना कि मेरे अंदर राम पैदा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि इसी घट में काम भी है और इसी घट में राम भी है, पर पैदा अपने को करना है कि राम को पैदा करें या काम को पैदा करें। पैदा हो जाता है। ये भागवत में एक कथा आती है, एक अंग नाम के राजा हुए जिनका एक पुत्र था वेण साहब। राजा बड़ा धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने देखा जो उनकी संतान है वो संतान ठीक नहीं है, उसके आचरण ठीक नहीं है, उसका खान पीन ठीक नहीं है, उसकी बैठक ठीक नहीं है। वो अंग राजा ने उसको समझाने का प्रयास किया कि बेटा तू गलत कर रहा है, ये अपने को नहीं सुहाए, तेरा खान पीन ठीक नहीं है, तेरी बैठक ठीक नहीं है, तेरे आचरण ठीक नहीं है। वो बेटा कहने लगा, पिताजी ये तो समय का प्रभाव और समय के साथ सब चलता है। वो अंग राजा ने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, वो नहीं माना। अंत में उस अंग राजा के मन में एक बात का विचार आया, कहीं ऐसा ना हो कि संतान को सुधारने के चक्कर में और मेरी मौत बिगड़ जाए। ये सुधरे ना सुधरे वो इसका भाग है, क्योंकि वो सुधरने वाला होता तो वो बिना कहे ही सुधर जाए। कई लोग हमसे भी कहते, आप भागवत जी में कहा करो लोगों से कि शराब छोड़ दो, जुआ पत्ता छोड़ दो। हमने की दादा कई चिल्ला चिल्ला के मर गया, उनका माँ बाप चिल्ला चिल्ला के मर गया, भैया मत पियो रे, उनकी पत्नी चिल्ला चिल्ला के कह रही मत पियो, तुम्हारा हाथ जोड़ू पांव पड़ू, पर वो दिन दूना रात चौगना होके पिए। और हम तो लोगों से ये कह रहे खूब पियो और मरो, किसी का क्या है साहब। आदमी कहता है मैं शराब पी रहा हूं, शराब आप नहीं पी रहे, शराब को शराब आपको पी रही है। करो कर्म में ईश्वर ने कोई रोक टोक थोड़ी लगाई है कि कर्म कर कोई गलत कर रहा है ईश्वर रोके नहीं, खूब करो गलत साहब। पर उसका जो भोग मान है महापुरुषों से सुना है, संतान के पाप और संतान के पुण्य ये दोनों माँ बाप छिप में कभी भी अपनी तरफ से नहीं कहेगा कि भगवान ये कर दो, नहीं, जो तेरी मर्जी हो वो तू कर।
आपने यहां से समझो पांडवों के ऊपर इतना कष्ट पड़ा साहब, जंगल जंगल भटके, द्रौपदी की लाज जाते जाते बची, लाक्षागृह में जलाया गया, क्या क्या विचारों के साथ वो वेश बदल बदल के घूमते रहे। और कुंती भगवान द्वारकानाथ की बुआ है, कई बार द्वारकानाथ माँ कुंती के पास आके बैठते, पर कभी कुंती ने द्वारकानाथ से ये नहीं कही कि गोविंद मेरे बेटों का तुम दुख दूर कर दो। क्योंकि भगवान कई बार पूछे, बुआ कोई बात हो तुम्हारी तो बता दो, वो तुम्हारे बेटा पांडव पांचों और तुम्हारी बहू सब वहां जंगल में है, गोविंद तेरी लहर और मेहर है। आप भक्ति तो देखो, भगत को तो देखो, आप भगत क्या है साहब। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। कभी नहीं कहना कि साहब भगवान तू मेरे को ये दे, नहीं चुपचाप अपन तो बैठे रहो और केवल एक इंतजार करते रहना, एक समय आएगा अगर उसको देना होगा साहब तो वो आप नहीं भी मांगोगे तो वो आपको दे के चला जाएगा। आप तो केवल बैठे रहो साहब, आप देखना कभी जब आम का सीजन आता है, आप देखो कई लोग सुनाते और आपने भी कई गांव के लोग बैठे, आम के नीचे अगर आप बैठे हो और आम की अगर मौज है और आम की इच्छा है कि इसको मैं एक पकी हुई साख खिलाऊं, आप नीचे बैठे हो उसी समय एक हल्का सा झोंका आएगा और वो आम में लकी हुई साख आपके सामने आके गिर जाएगी। बैठे रहो आप, तो पेड़ है पर जानता है कब देना है और किसको देना है, ये पेड़ जानता है तो क्या राम नहीं जानेगा। हमारी केवल दुख क्यों हो रहा है, अपन अपनी मर्जी का करवाना चाह रहे। समस्या ये है बस, पुणे 18-20 लाख की गाड़ी लायो तो हम भी लाता, भगवान हमको भी दे, बस यहां से समस्या शुरू हो गई। हमने शायद एक कथा में बोला था और आज फिर वो बात आपके सामने रखें, जीवन को अगर आनंद से निकालना हो, सुख से निकालना हो, आपसे सूत्र देते हैं एक, जब भी देखने का मन करे अपने से नीचे वाले को देखना साहब, जिस पे फोर व्हीलर है वो मोटरसाइकिल वाले को देखे, जिस पे मोटरसाइकिल है वो साइकिल वाला को देखे, साइकिल वाला पैदल वाले को देखे और पैदल वाला ऐसे आदमी को देखे साहब जिसके पास दो ही पांव नहीं है। सारी समस्या की जड़ केवल एक है कि बस गांव भर में मैं अकेला सुखी रहूं, बाकी ये समस्या यहां से। क्या उलझना साहब, ईश्वर की मर्जी है साहब, और हम तो आपसे आज निवेदन कर रहे क्यों अपन अपनी मर्जी चलाए। ये नाभि राजा की कथा यही कह रही, भजनानंदी आदमी साहब, इनके बराबर तो अपन भजन नहीं कर सकते, पर इनके घर में संतान नहीं थी साहब, पर वो आदमी दुखी नहीं हुआ, उसको गुरु और गोविंद पे भरोसा था, वो भक्ति देख के एक दिन नाभि राजा की,
और भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने कहा, नाभि राजा आप क्या चाहते हो? नाभि राजा ने की मांगू के हाँ मांगू, बिल्कुल जो कहोगे मैं दूंगा। दोगे? बोले हाँ दूंगा, मुझे संतान चाहिए। भगवान ने कही दूंगा, पर सुनो कैसी चाहिए? संतान भी मुझे तुम्हारे समान चाहिए, कोई अटाला मत दे देना। भगवान ने की दादा मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं, भगवान के समान कोई दूसरा है क्या? केवल एक है ईश्वर। नाभि राजा की दादा तुमने तो मेरे को उलझा दिया, अब दे तो तेरे समान पुत्र मेरे को देना, अन्यथा बिना संतान के मैं अच्छा। भगवान ने कही अब देना तो पड़ेगा, क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नाभि राजा आपको वरदान देते हैं कि मैं आपके यहां पुत्र रूप में आऊंगा। वरदान देके भगवान विदा हुए और उसके बाद समय आया, नाभि राजा के यहाँ पर भगवान नारायण ऋषभ रूप में अवतरित होते हैं। आकाश से फूलों की वर्षा, जय जयकार की ध्वनि हुई, ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव आए, नाभि राजा बड़े प्रसन्न हुए और नाभि राजा ने देखा ऋषभ देव बड़े हो गए, उनको राजपाट सौंप के स्वयं जंगल में तप साधना करने गए। ऋषभ देव जी का भी विवाह आदि संस्कार संपन्न हुआ, इनके यहाँ पर भी भरत आदि पुत्रों की प्राप्ति हुई और ऋषभ देव ने भी अपने पुत्रों को राजपाट सौंप के और अपने पुत्रों से कह के गए, बेटा ध्यान रखना, राजपाट करना एक उम्र तक करना, पर जब लगने लगे कि अब वृद्धावस्था आ रही है उसके बाद अब मैं इस राजपाट को छोड़ के और जंगल में जाके भगवान का भजन करो। एक उम्र तक करो साहब, पर जैसे ही बुढ़ापा आ जाए, ये सफेदी आने लगे,